हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमन और आप देख रहे हैं अमन गेमिंग FF। तो गाइस, जब से अपना ओबी अपडेट आएगा, इस अपने जितने भी स्नैपर प्लेयर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। यस गाइस, जो भी अपने स्नैपर प्लेयर हैं वो अपने डबल स्नैपर उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाइस अपना जो डबल स्नैपर पर बिना रिलोड के मारने वाला ट्रिक था वो गाइस अब वर्क नहीं कर रहा है। यस गाइस, आपने एकदम सही सुना, वो ट्रिक अब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे गाइस आप पहले जैसी डबल स्नाइपर चला सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो या फिर एक रैंक पुशर हो तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और गाइस, जो भी बंदा चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर से कर देना। और गाइस, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखो, वरना गाइस आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है इस वीडियो को देखने का। ठीक है गाइस, और भाई जिसने अभी तक वीडियो को लाइक किया भाई, प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ आफ्टर अपडेट। तो गाइस प्लीज़, मैंने इतनी मेहनत करके पूरी रात वीडियो रिकॉर्ड करी, जब जाके गाइस वीडियो रिकॉर्ड हो पाई है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है गाइस, चलो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि गाइस मैं चला पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के हर तरीके से डबल स्नैपर यूज़ कर पा रहा हूँ, चाहे वो बिना स्कोप के हो, चाहे गाइस वो अपनी स्कोपिंग ट्रिक से हो। ठीक है गाइस, अब आप यहाँ पे देखना, बिना स्कोपिंग के और स्कोपिंग दोनों से करके इजीली चला पा रहा हूँ। तो गाइस, इसके पीछे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपको भी बताऊँगा। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि गाइस ये हो कैसे रहा है, ये दिक्कत हो क्यों रही है। गाइस ये दिक्कत जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि गाइस अपने अपडेट में अपना जो ओम और ME2B है उनका गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज टाइम जो है, जिस टाइम में बंदा जो अपनी गन को एक्सचेंज करता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यस गाइस, आपने एकदम सही सुना, उस एक्सचेंज टाइम को बढ़ा दिया गया है और गाइस थोड़ा थोड़ा रेट ऑफ फायर कम कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि गाइस ये सब चीज़ें ना इंटर रिलेटेड हैं। अपना रेट ऑफ फायर भी कम कर दिया है, अपना जो स्विचिंग टाइम है वो कम कर दिया है। ठीक है गाइस, और एक और चीज़ गाइस, अपना जो रीलोड है गाइस उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें हुई हैं। आपको अपना जो रीलोड है वो भी आ रहा है गाइस। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा गाइस रीलोड ही आ रहा है गाइस। ये जो चीज़ें इस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो गाइस ये चीज़ें अब हमको इनको किस तरीके से हटाना है उस चीज़ पर ध्यान देना है। तो गाइस हम इनको हटाने के लिए गाइस एक बहुत ही बड़ी ट्रिक है गाइस, आपको ये करना है, आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी स्विचिंग नहीं करनी है। ठीक है गाइस, आपको एकदम आहिस्ता आहिस्ता स्विचिंग करनी है, इजीली स्लोली स्लोली आपको स्विचिंग करनी है अपनी। तो गाइस आप इतनी दिक्कत नहीं होगी गाइस, यहाँ पर देखो मैं स्कोपिंग और बिना स्कोपिंग भी मार रहा हूँ। तो गाइस मेरा इजीली स्नैपर चल रहा है और गाइस आपको लग रहा होगा मैं कितना फास्ट मार रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं मार रहा हूँ, ये एकदम नॉर्मल स्पीड में मार रहा हूँ। एक गोली जाने के बाद दूसरी गोली फायर कर रहा हूँ। ठीक है, वरना जो मैं पहले स्नैपर चला था वो काफ़ी ज़्यादा भाई फास्ट। आई होप गाइस आप भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर या फिर एक रैंक पुशर होंगे, अगर गाइस आप अच्छे से स्नाइपर चलाना जानते होंगे तो गाइस आप जानते होंगे गाइस पहले कैसे डबल स्नाइपर चलती थी धार। ठीक है गाइस, मैं यही चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, आपको एकदम धीरे धीरे मारनी है अपनी डबल स्नाइपर, आपको जल्दी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, पहले एक गोली निकल जाए उसके बाद दूसरी गोली फायर करनी है। ठीक है, और जो हमारी तीसरी जो चीज़ है वो ये है गाइस, आपको यूज़ करनी है सिंगल होम। यस गाइस, आपने एकदम सही सुना, आपको यूज़ करनी है सिंगल होम। गाइस अपडेट में सिर्फ डबल स्नैपर की जब स्विचिंग है उसको बढ़ाया गया है, आपकी सिंगल स्नैपर को कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, याद रखना, आप अगर सिंगल स्नैपर यूज़ करोगे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप पहले जैसे मार पाओगे, पहले जैसे चला पाओगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। और गाइस जो एक और दिक्कत काफ़ी बंदे फेस कर रहे हैं वो ये गाइस, उनके लॉन्ग रेंज में शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे स्नाइपर से। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आप गाइस लॉरा कैरेक्टर यूज़ करनी है। मैं गाइस हमेशा बोलता हूँ, हर बंदा बोलता है गाइस स्नाइपर यूज़ करते टाइम लॉरा यूज़ करो अगर गाइस आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। गाइस मैं अभी यूज़ नहीं करता क्योंकि गाइस स्नाइपर का मेटा चेंज हो चुका है। ठीक है गाइस, आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे। अगर गाइस किसी का कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम तो गाइस कमेंट करके ज़रूर से बता देना गाइस, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाइस जो बंदा अभी तक वीडियो को देख रहा है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस इंस्टा पर फॉलो करो, मैं डेली उधर रिडीम कोड का गिव अवे करता हूं। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off.